चुनाव के दौरान जनता से वोट के लिए गुहार लगाने वाले नेताओं के तेवर बाद में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल शिवपुरी जिले के ककेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत जाटव का भी है। वो भी तब जब उन पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी है। दरअसल ककेरा विधानसभा जसवंत जाटव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मृतक के परिजन विधायक जसवंत के सामने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। वो इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, जबकि विधायक अपनी ठसक में माला पहन रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने जब गुहार लगाने आए पीड़ित के परिजनों ने FIR की कॉपी दिलाने की मांग की, तो विधायक जसवंत जाटव पीड़ितों के परिजनों पर ही गुस्सा कर भड़क गए और उन्हें फटकार लगाने लगे। विधायक ने यहां तक कह डाला कि FIR को चाटोगे क्या। विधायक जसवंत जाटव ने पीड़ित पक्ष की पूरी बात नहीं सुनी। अब वीडियो सामने आने के बाद कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा गांव के स्थानीय निवासी नाराज हैं। नाराजगी पानी की किल्लत को लेकर है। आलम यह है कि इलाके में पानी की किल्लत को लेकर इन्होंने मतदान बहिष्कार का पक्का मन बना लिया है। हालांकि अरसे से चल रही पानी की समस्या को लेकर इन्होंने शिकवा शिकायत करना बंद कर दिया है और अब किसी ने कुछ बोलने की बजाय हाथों में पर्चे लेकर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। साथ ही स्थानीय निवासी पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते नजर आए। जाहिर है पानी की समस्या को लेकर आक्रोश काफी ज्यादा है। शिवपुरी के लहानपुरा इलाके में स्थित दुकान में अचानक आग लग गई। आग सुबह करीब 5 बजे लगी और थोड़ी ही देर में चारों तरफ फैल गई। आग लगने की सूचना दमकल को दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि साग में कोई हताहत नहीं हुआ। कृषि निदेशक सैयद अफताफ ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रायोजित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र के अधिकारियों को सक्रिय होने का आदेश दिया और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगतिशील किसानों की क्षमता का दोहन करने और उन्हें खेती की नवीनतम तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहा, ताकि वे कहीं अपनाएं और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो। भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी शिवम पुरी महाराज के नेतृत्व में हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन द्वारा पेप्सिको और लेज कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। मामला गुजरात के किसानों का था, जिसमें गुजरात के किसानों ने एक खास किस्म का आलू उगाया था। इसके बदले किसानों पर 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे में अब इन किसानों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल पेप्सी और ले चिप्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के 9 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोप लगाया कि इन किसानों ने कंपनी की बिना इजाजत खास किस्म के आलू FC5 उगाए, साथ ही उनकी बिक्री भी की, जो कि प्लांट वराइट प्रोटेक्शन राइट्स का उल्लंघन है। कंपनी ने कहा कि ये आलू उगाने का अधिकार सिर्फ पेप्सिको के पास है। इस खास किस्म के आलू से लेज ब्रांड का चिप्स बनाया जाता है। वर्ष से पेप्सिको का कंपनी किसान से माफी नहीं मांगी, तो पूरे भारत वर्ष से उसको जाना ही होगा। धर्म नगरी से तो उसको 7 दिन के अंदर पूरे धर्म नगरी से उसको खाली करनी ही होगी। ये हर हाल में करना होगा, नहीं तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसने उसके माल को थोक थोक करके रख रखा है, उसमें आग लगा दी जाएगी, फूंक दी जाएगी उसको। ये भारतीय किसान यूनियन का पूरे भारत वर्ष में आगाज है पेप्सिको कोला कंपनी के खिलाफ। खबर असम के बरपेटा से है। यहाँ एक पत्रकार के ऊपर हुए हमले के विरोध में संवाददाता संस्था की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में 100 से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। साथ ही असम सरकार से पेंशन प्राप्त संवाददाता रत्नेश्वर तालुकादार ने भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस धरना प्रदर्शन में संवाददाता संस्था की ओर से जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया। উপসভাপতি তথা দৈনিক অসম কাকতৰ মুকালমৰ সাংবাদিক ৰাজেন ডেকা, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক উপসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু ধুবুৰীৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাক অলপতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে। উক্ত ঘটনাক বৰপেটা জিলা সাংবাদিক সন্ধাই আমি কঠোৰ ভাষাত গৰিহণা দিছোঁ আৰু উক্ত ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ জনাই বৰপেটা জিলা সাংবাদিক সন্ধাই আজি হাউলিৰ চাৰিআলিত 2 ঘণ্টীয়া অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী পালন করেছো। বর্তমান সরকার প্রশাসন আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় সাংবাদিকসকলৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানত
চরম ব্যর্থ হয়েছে। গতি সাংবাদিক সকলের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবল আমি সরকারক দাবি জানাইছো। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক বৰপেটা জেলার উপায়ুক্তর জড়িয়ে আমি স্মারকপত্র প্রদান করেছো আর এই স্মারকপত্র জড়িয়ে আমি असम के बरपेटा के सरभोग पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, इनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार की रात पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब बुढ़ाना रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस ने सामने से आ रही वैगन कार को रोकने का प्रयास किया तो कार में सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। तभी पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई जबकि उसके तो अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने घायल बदमाश के पास जाकर देखा तो घायल बदमाश की पहचान रियासत के रूप में हुई जिस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। इस पर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था जबकि उसके तो अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए जिसके नाम भूरा और नासिर बताया जा रहा है। ये एक बदमाश है रियासत, उसके साथ पुलिस की यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसने बताया कि इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। ये अपने दो साथियों के साथ यहाँ पर लूट की योजना बना रहा था तभी पुलिस यहाँ चेकिंग करते हुए गश्त करते हुए आई और जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो उसमें रियासत को गोली लगी और इसके दो साथी फरार हो गए। पूछे जाने पर इसने उनका नाम नाजिम और भूरा बताया और इसने बताया कि इसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और जिसमें चोरी लूट डकैती स्नैचिंग गोवध के इस प्रकार के मुकदमे और अभी ये ककरौली से वांटेड था। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। यहां सीबीएसई परीक्षा में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। मुजफ्फरनगर के एचडी इंटर कॉलेज की छात्रा करिश्मा अरोड़ा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए, वहीं छात्राओं का प्रतिशत 88.70 रहा। करिश्मा अरोड़ा ने सीबीआई परीक्षा में टॉप करने की खबर ने उनके माता पिता और शिक्षकों के साथ ही पूरे जिले के लोगों का सीना गर्व से भर गया। एसडी पब्लिक स्कूल में करिश्मा अरोड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान करिश्मा अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के लिए बड़ी मेहनत की थी और अच्छा परिणाम आने की संभावना भी थी लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि आगे साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं और साथ ही क्लासिक डांस भी सीख रही हैं। और बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करूँगी एग्जाम्स में पर इतना अच्छा आएगा ये बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे आगे साइकोलॉजी करनी है और मैं साथ में क्लासिकल डांस सीखती हूँ और दिल्ली में मैं सीखती हूँ और मैं परफॉर्म भी करती हूँ तो मुझे उन दोनों को साथ में लेकर आनी है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है। यह कुंदन के थाना क्षेत्र से सटे गांव में सगाई समारोह के दौरान हादसा हो गया। यहां सगाई समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। वहीं हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की पकड़ के लिए पुलिस की धरपकड़ जारी है। तो वहाँ पे किसी ने हर्ष फायरिंग की और पता नहीं किस तरह से वो इसके लग गए हर्ष फायरिंग में। ठाकुर के यहाँ पे प्रोग्राम था, उनके लड़के कल्लू की लगन थी। कुंदन की थाना क्षेत्र में लगन समारोह में एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। इसमें एक व्यक्ति को चोट आई है जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को आग लगा ली। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके साथ उसके गांव के रहने वाले दबंगों ने दुष्कर्म किया और अब आरोपी उसे धमकी दे रहे हैं जबकि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने में जुटी है। पीड़ित महिला हापुड़ जनपद की रहने वाली है और वर्तमान में अपने पति के साथ मुरादाबाद जनपद में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक हापुड़ पुलिस ने बातचीत कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुष्कर्म हुआ जिन्हें लेके इसका विवाद चल रहा, उन पर पुलिस कार्रवाई ना होने से, पुलिस द्वारा पैसे लेने से इसने ये घटना को अंजाम दिया। माइंडली डिस्टर्ब इतनी हो गई, उनके दबाव आ रहे हैं और इसकी इज्जत
उछल गई है पूरे समाज में, उन पर कार्रवाई ना हो उन्हें के लिए, मान सम्मान के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये हापुड़ का मामला है, इस संबंध में हम लोग वहाँ से पत्राचार करेंगे, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करानी होगी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके साथ न्याय मिले और जो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाँव गादला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल आज ऐसा है कि मरीजों के जीवन देने की बजाय आज उसे जीवन देने की जरूरत पड़ रही है। यह स्वास्थ्य केंद्र खंडर में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के चलते गांव गादला में बनाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को इलाज देने की बजाय बीमारी का कारण बनता जा रहा है। पूरी बिल्डिंग में दवाइयों की जगह कूड़ा कचरा शराब पीने का अड्डा बन गया है, जिससे ग्रामीणों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पीएससी है या उप पीएससी है ये मैं दिखवाऊंगा और संभवतः आजकल में मैं इसकी स्वयं भी जांच करूंगा कि वास्तव में वहाँ क्यों पीएससी पे क्यों कोई कार्रवाई कार्य नहीं हो रहा है स्वास्थ्य विभाग का, और जो शराब वाली बात है तो मैं स्वयं जाँच करूँगा और जाँच करने के बाद मैं कार्रवाई करूँगा। यूपी के सीतापुर में लोकसभा के पांचवे चरण 6 मई को होने वाले चुनाव को लेकर अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। ऐसे में दिल्ली पब्लिक स्कूल और सीतापुर शिक्षा संस्थान की तरफ से एक विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खबर यूपी के सीतापुर से है। यहाँ जहांगीराबाद कस्बे में जल भराव की समस्या नासूर की तरह पनप रही है और जल भराव से संक्रामक रोग भी पनप रहे हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर किसी भी नेता या अधिकारी का ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या का निदान जल्द नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के आतंक से बच्चे परेशान हैं। मामला डेरवा बाजार में स्थित देवभूमि अकेडमी का है। यहाँ विद्यालय में बच्चों को सम्मान नहीं होता, साथ ही प्रिंसिपल बच्चियों को निर्दयतापूर्ण मारता है। पिटाई से बच्चियां बुरी तरह से आहत हैं। बेगूसराय में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन पता चलते ही परिजनों ने उसे अवलंबित सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया की है। बताते चले कि मोहम्मद इस्लाम को परिवार के लोगों ने कोई काम न करने की वजह से लगातार ताने देते थे, वो काम करने के लिए दबाव बनाते थे, लेकिन मोहम्मद इस्लाम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने बिना किसी को कुछ बताए जहर खा लिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया चौकी की है। मृतक की पहचान कोरिया निवासी विकेश कुमार के रूप में हुई है। बताते चले कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया में सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। विकेश अपनी बाइक से एक साथी के साथ कहीं जा रहा था, इसी दौरान उसने तेज गति से सड़क किनारे खड़े ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम लाया गया, जहां डॉक्टर ने विकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसका साथी अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दो आदमी जख्मी था और दोनों को जो है इलाज के लिए लाया गया लोकल, एक आदमी को जहाँ जो है डॉक्टर मृत घोषित कर दिया गया और एक आदमी के जो है ये सृष्टि जीवन में आईसीयू में इलाज चल रहा है। लोगों बता रहे हैं कि वहाँ एक ट्रक जो है पूर्व से लगी हुई थी और इधर से दो आदमी सवार बाइक से जा रहे थे और पीछे से जो है जोरदार धक्का मार दिया, जिसकी वजह से ये घटना घटी। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए अभिभाषक संघ रूपवास के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में पक्षियों के पीने के पानी के लिए परिंडे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट नगेंद्र मीणा वे अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील जांगिड़, समाज सेवी अमर सिंह अंधाना, संघ अध्यक्ष जेपी पराशर, नाजिर गुप्ता समेत कई अन्य अधिवक्ता व पक्षकार न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। देश में गौमांस पर प्रतिबंध होने के बाद भी गौ हत्या पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने गौमांस से भरे टेम्पो को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी सोलापुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दो तस्करों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।